अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के अंतरिम खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पर नए हो या फिर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है सबसे अधिक प्रभावित देशों से आते हुए, दोस्तों आपको बताऊँ 34 कंट्रियों को जो बैन किया गया था उसको दोस्तों लाने के लिए दो कैटेगरियों में बांटा गया है। तो वो कैटेगरी क्या होगा दोस्तों, कैसे लाया जाएगा, किस तरीके से मतलब दो भागों में बांटा गया है, सारा डिटेल मैं आपको बताऊँगा। तो जो सबसे अधिक प्रभावित देश मतलब जो सबसे ज़्यादा वहाँ पर COVID-19 का है दोस्तों, उसके नियम क्या क्या होंगे। तो पहला होगा कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आने में PCR परिणाम पत्र नामांकन प्रदान करें, मतलब PCR टेस्ट दोस्तों उसको तुरंत शो करना पड़ेगा। हवाई अड्डे पर पहुंचने से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वैच्छिक रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आवश्यक अभी सभी यात्री डेटा प्रदान करना होगा। मतलब दोस्तों जैसे हवाई अड्डा पहुंचने से पहले आपको सारा जो डेटा आपका है वो स्वास्थ्य मंत्रालय कुवैत का जो है उनको आपको सारा डेटा को आपको भेजना पड़ेगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट दोस्तों ये आगमन के बाद आगमन का डेटा सरलोक ऐप के सत्यापित होगा। मतलब दोस्तों एक एप्लीकेशन आपके पास दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन में दोस्तों सारा डिटेल सारा डाटा आपके पास होगा। चौथा, 7 दिनों के लिए घर का संगरोध करें। 7 दिनों के लिए दोस्तों आपको घर पे ही रहना पड़ेगा, 7 दिन से पहले आप बाहर नहीं आ सकते हैं। पांचवा, आगमन की तारीख से 7वें दिन एक दूसरा PCR प्रशिक्षण करें, यदि परिणाम समान हुआ तो तमाम प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा स्वास्थ्य मंत्रालय की देखरेख में संगरोह में 7 दिनों के बाद स्वचालित रूप से रद्द किया जाएगा संगरोह अतिथि में। 7 दिन दोस्तों जैसे ही होगा उसके दौरान एक PCR टेस्ट होगा। PCR टेस्ट होने के बाद जैसा रिपोर्ट आता है उस रिपोर्ट के आधारित पर दोस्तों आपका मतलब जो कार्य होगा वो किया जाएगा। छठवां पॉइंट, यदि परिणाम सकारात्मक है तो संगरोह अवधि बढ़ाई जाएगी और स्वास्थ्य प्रक्रियाओं को लागू किया जाएगा। यदि दोस्तों आपका पॉजिटिव केस आता है तो आपको जो होम क्वारंटाइन की जो प्रक्रिया है उसे बढ़ाई जाएगी और आपको प्रक्रियाओं में अब चालू किया जाएगा। सातवां, एयरलाइन पहले यात्री से दूसरे और तीसरे PCR का लागत वसूलती है। एयरलाइन दोस्तों दूसरा जो PCR टेस्ट आपका होगा, तीसरा जो PCR टेस्ट होगा उसको दोस्तों पैसा आपको सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा एयरपोर्ट पे ही। ये तो दोस्तों हो गया ज़्यादा केस आने वाले देशों, ज़्यादा प्रभावित देशों पे। अब दोस्तों जिन 34 देशों में जो कम प्रभावित है, जिससे कि कम प्रभावित देशों में आने वाले, पहला पॉइंट होगा कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर एक PCR परिणाम प्रमाण पत्र दोस्तों आपको सेम वही आपको PCR टेस्ट आपको जो होगा वो शो करना पड़ेगा आपको हवाई अड्डे पर आके। दूसरा, हवाई अड्डे पर आने को आगमन से पहले स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय को दोस्तों वही चीज़ है आपको सारा डेटा डिटेल वगैरह सारा कुछ आपको हवाई अड्डे में जो वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय उनको आपको भेजना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, हवाई अड्डे पर आने के आगमन से पहले स्वास्थ्य मंत्रालय को एयरलाइंस के यात्री डेटा संचित रूप से प्रदान करना होगा। ये बता चुका मैं आपको। आगमन के बाद आगमन का डेटा सरलोक ऐप के सत्यापित होगा। दोस्तों वही बात, तीसरी बात पॉइंट भी वही है, आपको एक एप्लीकेशन जो होगा उसमें सारा डिटेल आपको दिया रहेगा। चौथा, एयरपोर्ट आने में सभी यात्रियों को दूसरों PCR स्कैन कराएं। एयरपोर्ट आप जैसे ही पहुंचोगे आपका तीसरा PCR स्कैन करवाना पड़ेगा, मतलब PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा। पांचवां, 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन आपको होना पड़ेगा। छठा पॉइंट, आगमन के तारीख से 7वें दिन एक तीसरी PCR परीक्षा आयोजन, दोस्तों वही सेम चीज़ है आपको वही करना पड़ेगा। और सातवां दोस्तों जो होगा, एयरलाइन पहले से यात्री दूसरे को तीसरे PCR लागत के एक करती होगी। और दूसरा दोस्तों जो होगा, दूसरा और तीसरे का उसका सारा खर्च जो होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये सारा पॉइंट था दो भाग में जो बांटा गया था। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसकी जानकारी हो सके। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो पर। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।